पंचायत मेड़ा के अधोस्ताक्षरी नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के नियमन के संबंध में सरकार के प्रासंगिक निर्णय एवं परिपत्र के अनुसार दिनांक 3 मार्च 2019 को आपसे अनुरोध करते हैं। हम 10 फरवरी 2002 से सदर गांव में रह रहे हैं। लगभग 20 वर्षों के बाद भी उक्त झुग्गी को नियमित नहीं किया गया है। हिंगना तालुका के कीरमिटी भरकस पर सरकार को माननीय तहसीलदार द्वारा पट्टे आवंटित किए गए थे। शिरूद और टाकला घाट के गांव हिंगाना तालुका में आ रहे हैं और उन पर भी उपरोक्त सरकारी नियमों के अनुसार जल कर और संपत्ति कर लगाया गया है, लेकिन हमारे गांव को प्लॉट अलॉट नहीं हुए और जल कर संपत्ति कर नहीं लगाया गया। माझा नाव रुपेश नागोशे, मी मोराडी टेक्सटाइल मध्ये काम करत आहे। माझा पगार मिनिमम 10,000 रुपये पगार आहे। आजपर्यंत 2012 पासून मी इथे रहिवासी आहे मुक्तबोरीचा सातगावचा। तर मला हेच म्हणायचं आहे की आम्ही कुठं जावं हेच आम्हाला कळून नाही राहिलेलं आहे की आता काही लोक तर आपापल्या ज्याच्याकडे प्लॉट आहे ते चाललेले आहे, का ज्याच्याकडे प्लॉटच नाही आहे ते कुठं जायचं बा याचा प्रश्न आम्ही सरपंचाला विचारायला गेलो होतो की सरपंच साहेब आम्हाला कुठंतरी जागा द्या किंवा तुमच्या ग्रामपंचायत तरी जागा द्या। तुमच्या ग्रामपंचायत जर जागा असेल किंवा आम्हाला कुठंतरी ठेवायचा विचार असेल किंवा आमचं सर्व राशन कार्ड वोटिंग कार्ड सर्व इच्छा आहेत, आम्ही कुठच्या रहिवासी दाखवावं? आम्ही जर बाहेर गेलो तर आम्ही कुणाला वोटिंग करायचं, कुणाला का करायचं? आमचं मतदान इकडलं तिकडं झालेलं आहे। आम्ही जर इथून हटलो किंवा गावलाच आम्ही चाललं गेलो तर आमचं गावला बी सुद्धा घर नाही आहे, इथं बी सुद्धा घर नाही आहे। शासन म्हणून राहिले की 2018 जी आर काढलेलं आहे, ते बाहेरचे बेघर असलेल्या व्यक्तींना घर द्याव हे योजना तुम्हीच बनवलेली आहे का? आम्ही तर बनवलेली नाही आहे। तुम्ही सरकारी योजना सरकारीच योजना आहे ना। सरपंच साहेबाचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही सरपंचाचं नाव आहे योगेश भाऊ सातपुते, त्याचं म्हणणं हेच आहे की तुम्ही पर्याय व्यवस्था तुमच्या स्वतःच करा। तुमचं घर तुटो या काही हो ते आमची जिम्मेदारी नाही आहे। त्यानं म्हटलं कोर्टाचा आदेश आहे, अरे हो कोर्टाचा आदेश आहे, पण आम्हाला कुठंतरी व्यवस्था करून द्या ना। आम्ही तर जागा साफ करायला तयार आहोत, आज बी उठायला तयार आहोत। उद्या जर म्हणत असाल तुम्ही का इथे जाऊन बसा तर आम्ही उद्या बी तयार आहोत खोलायला। आम्ही म्हणलं आमचं नुकसान नाही झालं पाहिजे म्हणून आम्ही तुमच्यापर्यंत येत होतो, पण तुम्ही जर असं बोलत असाल तर आम्ही जाऊ कुठं? म्हणून आमचं हेच मागणी होती की आम्हाला कुठंतरी शिफ्टिंग करावं किंवा कुठंतरी जागा पर्याय निवडून द्यावं, हेच आमची मागणी आहे। मेरा नाम वर्षा इखार आहे, हम सातगाव वेना के रहिवासी आहे, वहां के रहने वाले। और वहां के जो सरपंच साहब है योगेश भाऊ सातपुते, जो हम लोग 15-20 साल हो गए तो वहां से हम लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ना तो आज तक जगह दिए, ना तो वहाँ स्थलांतर बिठाया गया, ना रहिवासी दाखला दिया गया, ना कभी इमला टैक्स लगा के दिया। पर वोटिंग कार्ड हमारे है, हम जब भी वहाँ वोटिंग रहते हैं तो वोटिंग करते हैं। उनको जो भी सरपंच हमेशा जो भी आते हैं तो वही बोलते हैं कि नहीं तुम लोगों को ये करेंगे वो करेंगे, पर आज तक कोई भी सरपंच ने नहीं किया। आज तो हमारे घर 2-4 दिन में टूटने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? ना जगह दी, ना घर दिए, तो कहाँ जाएंगे हम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो हमसे हमारे सरपंच साहब है, उनको पूछा हमने योगेश भाई सातपुते को कि हम लोगों को नहीं घर दे सकते, ये जगह नहीं दे सकते, तो कहीं जगह तो दे दो ताकि हम यहाँ से हमारा घर उठा के वहाँ बना देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? आज तो मेरे घर के लड़की है, उसकी शादी करनी है, तो 8-10 महीने से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? कंपनी में ड्यूटी करूँगी, किराया दूंगी कि लड़की की शादी पढ़ाई करूँगी? तो ऐसे समस्या में क्या कर सकते हैं हम लोग? घर दे सकते हैं तो कहीं भी जगह दे दे, हम लोग चले जाएंगे आज। और हम लोगों के 2-3 दिन में घर टूटने को नहीं होगा। अन्य सरकारी प्राधिकरण को निवेदन दिया गया है कि हम उपरोक्त सरकारी निर्णय के अनुसार 2018 में पट्टों के आवंटन के लिए आए, लेकिन आज तक हमारी समस्या को नजरअंदाज किया गया। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।